हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाला है स्टैटिक कीवर्ड के बारे में। पिछले लेक्चर के अंदर हमने एनकैप्सुलेशन रिलेटेड यहाँ तक देखा था, दिस कीवर्ड तक, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टैटिक कीवर्ड के बारे में कि आखिरकार किस तरह से जावा के अंदर स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया जाता है, और साथ ही साथ आपको इस वीडियो में यह भी पता चलेगा कि आखिरकार क्यों हम मेन मेथड को एज अ स्टैटिक लिखते हैं, ठीक है। क्यों हमें यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड लिखना पड़ता है, वो भी आज के इस लेक्चर के अंदर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैटिक कीवर्ड को आप जावा के अंदर किन किन तरीकों से या फिर कहाँ कहाँ पर लिख सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टैटिक कीवर्ड को आप किसी वेरिएबल को बना सकते हो, यानी कि आप कोई स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, साथ ही साथ आप कोई स्टैटिक मैथड क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। देन आफ्टर आप स्टैटिक ब्लॉक क्रिएट कर सकते हो, और जो हम इनर क्लास बनाते थे ना, ठीक है, वो भी आप स्टैटिक बना सकते हो, ठीक है। तो ये चार चीज़ हम डिटेल के अंदर देखेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। लेकिन सबसे पहले सवाल आता है कि सर आखिरकार हम क्यों स्टैटिक कीवर्ड का यूज करें, स्टैटिक कीवर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो स्टैटिक कीवर्ड को मेनली मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन इसी के लिए यूज किया जाता है। अगेन स्टैटिक कीवर्ड को मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। किस तरह से, तो यहां पर देखिए, सबसे पहले तो मैंने माई स्टैटिक डॉट जावा नाम की एक फाइल बनाई है, ठीक है, सिंपल एक क्लास बनाया है। अब यहां पर मैं एक स्टूडेंट नाम का एक क्लास क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैंने क्रिएट कर दिया स्टूडेंट नाम का कोई क्लास, ओके। चलिए अब यहां पर मैं कुछ फील्ड्स लूंगा, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग नेम, देन आफ्टर इंटीजर एच, ठीक है। सिर्फ मैंने ये दो ही चीज ली। अब साथ ही साथ मैं इस स्टूडेंट की कॉलेज भी असाइन करना चाह रहा हूं, तो मैं एक नया वेरिएबल ले लूंगा सीएलजी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों को सेट करने के लिए एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यहां पर क्रिएट कर रहा हूं, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब हम सभी को मालूम है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यानी कि आपको यहां पर पैरामीटर पास करने होंगे जब भी आप यहां मेन पर से इस स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, राइट। तो चलिए सबसे पहले यहां पर मैंने स्टूडेंट एस वन नाम का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब यहां पर मुझे क्या पास करना है, उसका नेम, उसका एज और उसका कॉलेज। तो सपोज मैंने यहां पर नाम पास कर दिया, फॉर एग्जाम्पल संदीप, देन आफ्टर उसकी एज पास कर दी 18, देन आफ्टर उसकी कॉलेज पास कर दी, फॉर एग्जाम्पल RNWIET, राइट। देन आफ्टर इसी तरह से मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, तो इसी को मैं रीयूज करूंगा स्टूडेंट S2। सपोज मैंने नाम पास कर दिया महेश, एज पास कर दी 19, और साथ ही साथ कॉलेज पास कर दी RNWIET, राइट। तो अब हम सभी को मालूम है तीनों डेटा जो है वो सेट हो चुके हैं इन रिलेवेंट नेम के अंदर। लेकिन किस तरह से आप ये परफॉर्म करोगे एक्शन, तो सबसे पहले आप जो यहाँ पर नीचे से तीनों डेटा पास करोगे उसको यहाँ पर एज अ पैरामीटर के अंदर आपको सेव करना होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सेव कर सकता हूँ सबसे पहला स्ट्रिंग एन के अंदर, देन आफ्टर इंटीजर ए, एंड देन आफ्टर स्ट्रिंग सी, ठीक है। यहाँ पर आप नेम, एज और कॉलेज भी यहाँ पर आराम से लिख सकते हो, ओके। चलिए अब इस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्ट का काम क्या होगा, ये जो हमारे क्लास लेवल के जो वेरिएबल्स है, राइट, उसको सेट करना। तो इसी तरह से दिस डॉट एच इज इक्वल टू ए, देन आफ्टर दिस डॉट सी एल जी इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्ट का काम पूरा हो गया। अब जो डेटा हमने सेट किया उसको मुझे करना है डिस्प्ले। इसके लिए मैं यहां पर क्या कर सकता हूँ, एक मेथड को कॉल कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल S1 और S2, इन दोनों की मदद से मैं एक मेथड कॉल करना चाह रहा हूँ डिस्प्ले, S2 की मदद से भी डिस्प्ले। तो अब डिस्प्ले मेथड का काम क्या होगा, आई थिंक आपने गेस कर लिया होगा, डिस्प्ले जो है वो हमारा गेटर फंक्शन होगा, राइट, यानी कि एक गेटर मेथड होगी। तो यहाँ पर मैं गेटर मेथड बना देता हूँ void डिस्प्ले। इस मेथड का काम सिर्फ और सिर्फ तीनों डेटा को रिवील करना ही होगा। तो system.out.println, अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं this dot name, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर हम बीच में दे देते हैं space this dot age, उसी तरह से लास्ट में this dot college, राइट। तो चलिए अब हमने सेव कर लिया, क्लियर। चलिए तो हमने S1 और S2 दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, दोनों का डेटा हमने सेट कर दिया यूजिंग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, देन आफ्टर हमने डिस्प्ले नाम की गेटर मेथड से इन तीनों को प्रिंट भी करवा लिया। तो चलिए अब मैं इस पूरे प्रोग्राम को सेव करूंगा, ओके। तो अब हम यहाँ पर कंपाइलर के अंदर सबसे पहले तो यहाँ पर करेंगे फाइल को कंपाइल, स्टूडेंट
डॉट जावा, सॉरी स्टूडेंट नहीं बल्कि माय स्टैटिक डॉट जावा। ओके, तो कंपाइल करने से हमें सबसे पहले यहाँ पर तो एक एरर मिल रही है, कैन नॉट फाइंड सिंबल स्टूडेंट। ओके, हम यहाँ पर न्यू कीवर्ड लगाना भूल गए। जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर कंपलसरी न्यू कीवर्ड लगाना पड़ता है। ओके, चलिए हमने सेव किया, अगेन यहाँ पर फाइल को किया कंपाइल, एंड देन आफ्टर फाइल को कहते हैं रन जावा माई स्टैटिक। ओके, तो अब आप देख सकते हो हमें परफेक्टली डेटा मिल चुका है, संदीप का भी और महेश का भी। रेडी, चलिए अब यहाँ पर इतना सब कुछ हमने ऑलरेडी देख लिया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। अब यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड का हम यूज किस तरह से कर सकते हैं, तो देखिए अगर आप कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, सपोज स्टूडेंट S3, ठीक है, और उसका नाम कुछ अलग रखोगे, फॉर एग्जाम्पल प्रतीक, एज अलग रख दी फॉर एग्जाम्पल 17, लेकिन बाय मिस्टेक आपसे यहां से कॉलेज का नाम कोई और रखा गया फॉर एग्जाम्पल AKM, तो अब क्या होगा, ये तीनों बच्चे जो है संदीप महेश और प्रतीक, तीनों के तीन RNWIT के ही स्टूडेंट थे, लेकिन बाय मिस्टेक किसी से यहां पर कॉलेज का नाम चेंज कर दिया गया, AKM रख गया, ठीक है, तो अब क्या होगा। चलिए सेव किया मैंने, अगेन कंपाइल किया, देन रन किया, तो देखिए सबसे पहले यहां पर तो हमें S3 से भी डिस्प्ले करना होगा, राइट, तभी हमें डेटा देखने को मिलेगा। चलिए सेव, अगेन कंपाइल, देन रन, तो देखिए प्रतीक का डेटा यानी कि प्रतीक की कॉलेज जो है वो AKM रिप्रेजेंट हो रही है। ऑब्वियसली चीज हमने यहाँ पर AKM कॉलेज डाली है तो AKM ही आएगी, लेकिन हमें क्या करना है, सभी बच्चे जितने भी आए वो बाय डिफॉल्ट उसकी कॉलेज का नाम क्या रखा जाए, RNWIET, ठीक है, ना कि किसी और कॉलेज का नाम। तो ऐसा हम किस तरह से करेंगे, ये तो मैंने आपको आसान भाषा में समझाया, ऑफिशियल जावा की अगर हम बात करें तो ऐसा करने की जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो देखिए सपोज मेरे पास यहाँ पर तीन बच्चे हैं, अब इन फ्यूचर मेरे पास 1000 बच्चे हो गए, राइट, सभी की कॉलेज का नेम RNWIET ही होगा, लेकिन जो आपने यहाँ पर वेरिएबल्स क्रिएट किए, कितने किए थे, तीन वेरिएबल्स, नेम, एज और कॉलेज, तो जब भी आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे किसी एक स्टूडेंट के लिए तो रैम के अंदर कितने वेरिएबल क्रिएट होंगे, तीन होंगे ना, राइट, हम सभी को मालूम है जितने भी वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे वो 100% रैम के अंदर यानी कि मेमोरी के अंदर ही क्रिएट होता है, तो पर स्टूडेंट रैम के अंदर तीन वेरिएबल क्रिएट हो रहे हैं, S1 के लिए भी तीन, S2 के लिए भी तीन हो रहे हैं और S3 के लिए भी तीन हो रहे हैं, राइट, लेकिन क्या हो अगर सभी कॉलेज का नाम हम सेम ही रख दें RNWIT, तो अब जब भी आप स्टूडेंट का डेटा पास करोगे ना तब आपको नेम पास करना होगा और एज पास करनी होगी, अब आपको यहां पर कॉलेज का नेम पास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम किसी ना किसी तरह से फिक्स करने वाले हैं कॉलेज का नाम, ठीक है, अब आपको यहां पर कॉलेज का नेम सेट करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब हमने क्या किया, छोटा सा काम किया, यहां पर जो हम एक्सटर्नल कॉलेज का डेटा पास कर रहे थे कॉलेज का नेम वो हमने यहां से मिटा दिया, ठीक है, तो आपको वहां पर सेट भी नहीं करना होगा। इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि रैम के अंदर पर स्टूडेंट दो ही वेरिएबल क्रिएट होने चाहिए, नेम और एज, क्योंकि नेम और एज सभी स्टूडेंट का अलग अलग हो सकता है बट कॉलेज सभी स्टूडेंट की क्या हो सकती है, कंपलसरी सेम ही होगी ना, RNWIT, वही तो हमें चेंज करना है। तो अब ये वाला जो वेरिएबल है ना CLG, वो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट नहीं होना चाहिए बल्कि सभी के लिए बीच में कॉमन ही क्रिएट होना चाहिए, ये मेरा गोल है। हाँ, नेम और एज वेरिएबल सभी का भले ही अलग अलग क्रिएट हो, तीनों तीन ऑब्जेक्ट का रैम के अंदर भले ही अलग अलग क्रिएट हो, लेकिन कॉलेज नाम का वेरिएबल तीनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक ही बार कॉमन क्रिएट होना चाहिए। तो इस तरह से कॉमन वेरिएबल रैम के अंदर क्रिएट करने के लिए आप किसी भी वेरिएबल को स्टैटिक बना सकते हो। किस तरह से, सिंपल, आपने यहां जहां पर वेरिएबल क्रिएट किया है ना उसके आगे आपको कीवर्ड लगाना है स्टैटिक, कुछ इस तरह से। देन आफ्टर हमें कॉलेज की एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी थी, राइट, जो कि है RNWIET, तो वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू आप कहां से सेट करोगे, तो यहीं पर, जब यहां पर आप स्टैटिक कीवर्ड बनाते हो तो उसी के साथ आपको कंपलसरी उसकी वैल्यू भी लगानी होती है, असाइन करनी होती है इसी तरह से, इसी पोजीशन पर। नो डाउट C++ के अंदर अगर आपने माइट बी स्टैटिक कीवर्ड पढ़ा होगा तो उसकी वैल्यू आप इस तरह से असाइन नहीं कर सकते थे बल्कि आपको यहां पर ग्लोबल एरिया के अंदर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करना पड़ता था, राइट, लेकिन जावा के अंदर बड़ा ही आसान है,
जब भी आपको स्टैटिक कीवर्ड या फिर स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट करते हो तब उसी के साथ ही आपको उसकी वैल्यू का असाइनमेंट कर देना होता है, राइट। तो अब हमने स्टैटिक कीवर्ड बना लिया, ये हमने स्टैटिक कीवर्ड की मदद से एक स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, साथ ही साथ उसकी वैल्यू भी असाइन कर दी। अब जितने भी आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहो बनाओ, अब आपको हर बार नेम पास करना होगा और एज, कॉलेज पास करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी कॉलेज को स्टैटिक बना दिया और उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू भी असाइन करके रखी हुई है, राइट। तो अब क्या होगा, जितनी भी बार आप गेटर को कॉल करोगे, ठीक है, तो आपका नेम, एज और कॉलेज प्रिंट होगा। लेकिन जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तब पर स्टूडेंट ओनली दो ही वेरिएबल क्रिएट होंगे, नेम और एज, राइट। ध्यान रखिएगा, अगर हमने यहां पर स्टैटिक नहीं लिखा होता तो पर स्टूडेंट तीन वेरिएबल रैम के अंदर क्रिएट होगी, लेकिन अगर हमने स्टैटिक लिखा हुआ होगा तो पर स्टूडेंट सिर्फ दो ही वेरिएबल क्रिएट होगा रैम के अंदर, नेम और एज, जबकि कॉलेज नाम का वेरिएबल सभी ऑब्जेक्ट के बीच में एक ही बार क्रिएट होगा, ठीक है, जो कि शेयरेबल ऑब्जेक्ट होगा, शेयरेबल वेरिएबल आप बोल सकते हो कॉलेज को, जो कि S1 के अंदर भी, S2 के अंदर भी और S3 के लिए भी सेम ही वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा होगा, R and W I E T, क्लियर। तो चलिए अब मैंने इस फाइल को किया सेव, अगे कंपाइलर के अंदर मैंने यहां पर किया सबसे पहले कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो आप देख सकते हो तीनों की वैल्यू सेम आ चुकी है, R and W I E T, ठीक है। हमने यहां पर कोई भी तरह का डेटा पास नहीं किया तब भी हमें यहां पर वैल्यू देखने को मिल रही, राइट। तो इस तरह से आप स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्टैटिक वेरिएबल को क्रिएट करने की सिंटैक्स, ओके। और एक और बात, स्टैटिक वेरिएबल जब भी आप क्रिएट करोगे, ठीक है, तो उसको आप मेन के अंदर डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हो, जी हाँ, मेन के अंदर आप उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। देखिए किस तरह से, अगर मैं डायरेक्ट यहां पर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन करना चाहता हूं, ठीक है, कोई भी वेरिएबल को, आप नेम को प्रिंट करवा सकते हो, एज को भी करवा सकते हो और कॉलेज को भी करवा सकते हो डायरेक्टली यहां पर, राइट। लेकिन शर्त क्या थी, हमें सबसे पहले उसका एक ऑब्जेक्ट चाहिए था। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल हमें क्या एडवांटेज देगा कि स्टैटिक वेरिएबल आप डायरेक्टली विथाउट मेकिंग एनी ऑब्जेक्ट मेन के अंदर एक्सेस कर सकते हो, जी हाँ। किस तरह से, मुझे कॉलेज प्रिंट करना है ना, ठीक है, तो कॉलेज किस क्लास का है, स्टूडेंट क्लास के अंदर है ना स्टैटिक की, तो अब हमें यहां पर लिखना होगा स्टूडेंट डॉट कॉलेज, कुछ इस तरह से। ध्यान रखेगा एक कॉलेज जो है वो स्टैटिक वेरिएबल है, इसीलिए आप इस तरह से उसके एक्सेस कर सकते हो, स्टूडेंट यानी कि क्लास का नेम देन आफ्टर डॉट कॉलेज। चलिए मैंने सेव किया, अगेन यहां पर कंपाइल देन आफ्टर रन, तो आप देख सकते हो यहां पर आर एन डब्ल्यू आई टी प्रिंट होकर आ चुका है। अब आप सोच रहे होगे कि सर क्या मैं इस तरह से नेम और एज को भी प्रिंट करवा सकता हूं, नहीं। देखिए आप ट्राई करके देख लो, यहां पर मैंने लिखा स्टूडेंट डॉट नेम, सेव किया कंपाइल, तो देखिए कंपाइल टाइम पर ही आपको एरर देखने को मिल गई स्टूडेंट डॉट नेम के अंदर, ठीक है, कि भाई नॉन स्टैटिक वेरिएबल नेम जो है वो कैन नॉट बी रिफर्ड और रेफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यानी कि नेम और एज ये दोनों कैसे वेरिएबल, सिंपल वेरिएबल है ना, तो सिंपल वेरिएबल को आप बोल सकते हो नॉन स्टैटिक वेरिएबल, राइट। तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल डायरेक्टली आप इस तरह से एक्सेस कभी भी नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कंपलसरी ऑब्जेक्ट बनाना ही होगा, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल को आप डायरेक्टली यहां पर एक्सेस कर सकते हो कुछ इस तरह से, गॉट इट। तो चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट डाउन कर लो आप, ठीक है, कोई भी स्टैटिक वेरिएबल हो उसको आप डायरेक्टली मेन के अंदर एक्सेस कर सकोगे विदाउट मेकिंग एनी ऑब्जेक्ट, क्लियर। चलिए अब क्या होगा कि सर मेरे पास तीन बच्चे हैं, राइट, उसमें से पहले दो बच्चे ऐसे हैं जिसकी कॉलेज का नाम आर एन डब्ल्यू आई टी रखा, क्लियर, बड़ी आसानी सी बात। लेकिन जो तीसरा बच्चा है मेरे पास प्रतीक, उसकी कॉलेज का नाम मुझे चेंज करना है, लेकिन वो तो मैं यहां पर नहीं कर सकता ना, क्योंकि उसकी कॉलेज का नाम तो मैंने बाय डिफॉल्ट आर एन डब्ल्यू आई टी रख दिया है। तो क्या आप स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हो क्या? यस, ऑफकोर्स कर सकते हो। किस तरह से, देखिए जब भी आप S3 का डेटा सेट करो ना, उसके पहले आपको कॉलेज की वैल्यू चेंज कर देगी। तो कॉलेज की वैल्यू यानी कि कॉलेज वाला वेरिएबल किस तरह से एक्सेस करना है, मैंने अभी भी आपको बोला इस तरह से, राइट। तो इस तरह से पहले एक्सेस कर लो, देन आफ्टर इक्वल टू करके डायरेक्टली उसकी कॉलेज का नाम चेंज कर दो, फॉर एग्जाम्पल एस डी जे, राइट। चलो मैंने सेव किया, देन आफ्टर यहां पर से मैं कर रहा हूं कंपाइल, देन आफ्टर रन, तो आप देख सकते हो
सभी कॉलेज का डेटा क्या हो गया, एसडीजे चेंज हो गया। ठीक है, एसडीजे सभी कॉलेज का डेटा चेंज हो गया। तो यहां पर क्या हुआ, सबसे पहले जब आपने स्टूडेंट डॉट कॉलेज इसकी वैल्यू जब आपने स्पेसिफाई की, राइट, तो तब उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू तो आर एन डब्ल्यू आई ई टी थी, क्लियर। लेकिन जब भी आपने एस वन एस टू और एस थ्री क्रिएट किए, तब आप यहां से देखिए कॉलेज का डेटा पास नहीं कर रहे थे, तो उसकी प्रीवियस वैल्यू क्या थी, आर एन डब्ल्यू आई टी, राइट। लेकिन आपने यहां पर बोल दिया कॉलेज एस डी जे, ठीक है, तो डिस्प्ले के अंदर कॉलेज कॉल हो रही है ना, राइट, डिस्प्ले के अंदर आप कॉलेज को प्रिंट करवा रहे हो, तो ये वाली लाइन जो है वो हमें यहां से निकालनी होगी और यहां पर एस थ्री के पहले जस्ट देनी होगी, ठीक है, आगे नहीं, इस तरह से। तो चलिए, अब मैंने सेव किया, टर्न टू कंपाइल एंड अगेन रन, तो अब आप देख सकते हो प्रतीक की कॉलेज का डेटा चेंज हो चुका है, ठीक है, एस डी जे। यानी कि जब भी आप इस तरह से स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू चेंज करोगे, तो अब उसके नीचे जितने भी गेटर आप कॉल करोगे उन सभी कॉलेज का नाम क्या आएगा, एस डी जे ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू परमानेंट चेंज कर सकते हो, क्लियर। तो चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो इस वाली चीज को, स्टैटिक वेरिएबल को किस तरह से चेंज करना है, किस तरह से एक्सेस करना है, वो सब मैंने आपको यहां पर बता दिया, क्लियर। चलिए, तो ये तो बात हुई स्टैटिक वेरिएबल के बारे में, अब हम बात करेंगे स्टैटिक मेथड के बारे में, ठीक है। स्टैटिक मेथड यानी कि कोई भी एक सिंपल फंक्शन जो आप क्लास के अंदर क्रिएट करते थे उसको भी आप स्टैटिक बना सकते हो, किस तरह से, देखिए यहां पर मेरे पास एक नॉर्मल मेथड है। चलिए एक मैं मेथड बनाता हूं, फॉर एग्जाम्पल शो, और इस मेथड को मैं क्रिएट करूंगा स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड आप कुछ इस तरह से क्रिएट कर सकते हो, सेम टू सेम जो कंसेप्ट वेरिएबल के अंदर लगाना था उसी तरह से आपको लगाना है यहां पर मेथड के अंदर। यानी कि मेथड जो आप बनाते हो उसके आगे एक प्रीफिक्स लगा देना है स्टैटिक, दैट्स ऑल। अब ये मेथड आपकी स्टैटिक मेथड बन गई। तो स्टैटिक मेथड का एडवांटेज क्या है, या फिर कह सकते हो आप उसका यूज क्या है, तो स्टैटिक मेथड के अंदर मैं यहां पर कमेंट के अंदर लिख रहा हूं ओनली एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल्स। ध्यान रखिएगा, स्टैटिक मेथड जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स को ही एक्सेस कर सकते हैं। इस बॉडी के अंदर आप सिर्फ कॉलेज इस वेरिएबल को ही एक्सेस कर सकोगे, क्यों, क्योंकि तीनों वेरिएबल में से सिर्फ एक ही वेरिएबल ऐसा है ना जो कि स्टैटिक है, राइट। चलिए देखिए, मैं यहां पर सिस्टम डॉट प्रिंट कर रहा हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सीएलजी, राइट। तो अब देखिए मैं यहां पर सेव किया, अब सबसे लास्ट में मैं यहां पर कॉल करना चाह रहा हूं किसको, शो, ठीक है। तो ये शो वाली मेथड आप ऑब्जेक्ट से भी कॉल कर सकते हो, बट अभी अभी हमने सीखा कि कोई भी स्टैटिक हो उसको आप डायरेक्टली इस तरह से क्लास का नेम डॉट करके भी उसको स्पेसिफाई कर सकते हो। तो यहां पर देखिए, ये जो मेथड है वो स्टैटिक है, तो स्टैटिक वेरिएबल हो चाहे मेथड हो, उन सभी को आप ऑब्जेक्ट क्रिएट बिना डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। देखिए, तो डायरेक्टली कॉल करने के लिए सिंटैक्स क्या है, क्लास का नेम डॉट उस मेथड का नेम जो कि आपकी स्टैटिक मेथड है वो, ठीक है। तो ये हमारी स्टैटिक मेथड थी शो, इसलिए हम डायरेक्टली यहां पर इस तरह से कॉल कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैंने सेव किया, अगेन यहां पर मैंने किया कंपाइल, देन आफ्टर रन, अब आप देखिए कॉलेज का नेम हमें लास्ट के अंदर बता रहा है एस डी जे, ठीक है, क्योंकि शो के अंदर हमने प्रिंट किया हुआ है कॉलेज। तो चलिए इसी तरह से हम बाकी के दो वेरिएबल को भी प्रिंट कराना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेम एंड देन आफ्टर उसी तरह से एज, ठीक है। अब मैंने यहां पर लिखा है कि स्टैटिक मेथड जो है वो ओनली एंड ओनली एक्सेस कर सकती है स्टैटिक वेरिएबल को, तो स्टैटिक वेरिएबल तो इन तीनों में से एक ही है ना, कॉलेज, तो यानी कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल नेम और एज दोनों एक्सेस नहीं हो सकते। देखिए, सेव करने के बाद यहां पर मैंने जैसे ही किया कंपाइल, तो हमें दो एरर देखने को मिल रही है, एक नेम के अंदर और एक एज के अंदर, और यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल नेम और एज कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये जो आपने स्टैटिक करके जो मेथड बनाई हुई है उसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को ही यूज कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो यहां पर स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं चेंज कर दे रहा हूं नेम, फॉर एग्जांपल चेंज सी एल जी, राइट। आप यहां पर मेथड का नेम चेंज कर दिया, अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, स्टैटिक मेथड के अंदर आप एक्सेस कर सकते हो ना स्टैटिक वेरिएबल को, यानी कि सिर्फ प्रिंट कर सकते हो ऐसा नहीं, आप उसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं सिंपल लिखूंगा कॉलेज इज इक्वल टू ए के एम, मैंने कॉलेज की वैल्यू चेंज कर दी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा,
यहां पर मैंने इस तरह से चेंज की थी ना वैल्यू, ठीक है। अब मैं इसको कमेंट कर दूंगा, अब मैं ऑफिशियली मेथड के थ्रू भी चेंज कर सकता हूं, स्टूडेंट डॉट चेंज कॉलेज इस तरह से, ठीक है। तो अब मैंने सेव किया, अब मैंने यहां पर कंपाइल किया, ओके। तो देखिए सबसे पहले तो यहां पर आ रहा है स्टूडेंट डॉट शो, ठीक है। तो ये मेथड अब हमारे पास नहीं है, तो हमें यहां से मिटानी होगी। चलिए अगेन कंपाइल देन आफ्टर रन, अब आप देख सकते हो प्रतीक की कॉलेज AKM चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो आप इस तरह से स्टैटिक मेथड की मदद से स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हो, साथ ही साथ उसको यहां पर एक्सेस भी कर सकते हो, ठीक है। अब आपने यहां पर नोटिस किया होगा मैंने दिस कीवर्ड नहीं लगाया, ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए। देखिए अगर मैं लगाता तो क्या होता है, दिस कीवर्ड मैंने लगाया यहां पर, अगेन फाइल को किया कंपाइल, तो अब देखिए यहां पर आपको एरर देखने को मिली, राइट, कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल This cannot be referenced, ठीक है। तो ये याद रखेगा खास चीज, कोई भी स्टैटिक वेरिएबल हो उसको आप this कीवर्ड की मदद से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सीखा था ना this वेरिएबल या फिर this कीवर्ड क्या रिप्रेजेंट करेगा, करंट क्लास का वेरिएबल। this कीवर्ड दूसरी चीज क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, करंट कंटेक्स्ट का स्कोप, यानी कि नेम और एज ये दोनों सभी ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग हो गए, लेकिन कॉलेज जो है वो सभी ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन हो गए, शेयरेबल हो गए, राइट। तो कॉलेज वेरिएबल को आप दिस कीवर्ड की मदद से कभी भी कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि कॉलेज जो है वो सभी के लिए कॉमन है, ठीक है। इसलिए तो ये चीज आपको खास ध्यान में रखनी होगी, क्लियर। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे पहले स्टैटिक कीवर्ड की मदद से आपने स्टैटिक वेरिएबल को क्रिएट किया, स्टैटिक फंक्शन यानी कि स्टैटिक मेथड को भी क्रिएट किया, ठीक है, उसका यूसेज भी हमने देख लिया कुछ इस तरह से, क्लियर। तो ये थी आपकी स्टैटिक मेथड। अब अगर आपने अब तक नोटिस किया होगा तो जब हम हमारा मेन क्लास बनाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारी मेन मेथड होती है, तो यहां पर आपने नोटिस किया होगा हम लिखते हैं स्टैटिक वॉइड में, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। तो ये मेन जो है वो क्या है, ये भी एक मेथड ही है ना, राइट। तो अब सवाल ये आता है कि आखिरकार हम क्यों यहां पर मेन के आगे स्टैटिक लिखते थे, अगर हम यहां पर स्टैटिक नहीं लिखते तो क्या होगा, तो एरर आएगी, ठीक है। ये फिक्स हमारा रूल है जावा के अंदर, हर बार जब भी आप मेन मेथड क्रिएट करोगे तो आपको स्टैटिक कीवर्ड्स की मदद से ही क्रिएट करनी होगी। इसके पीछे एक लॉजिक, एक सिंपल सा लॉजिक, अगर मानो कि आप यहां पर स्टैटिक नहीं लिखते हो, ठीक है, तो जब भी आप प्रोग्राम रन करोगे ना यहां पर, ठीक है, तो प्रोग्राम रन किससे करते हो आप, जावा कमांड की मदद से करते हो ना, देन आफ्टर क्लास का नेम लिखते हो जावा माई स्टैटिक, यानी कि बिहाइंड द सीन हमारा JVM जो हमारा जावा वर्चुअल मशीन होता है, राइट, वो इस फाइल को रन करता होता है, क्लियर। लेकिन देखिए ये जो मेन मेथड है, ठीक है, ये किस क्लास के अंदर है, माई स्टैटिक क्लास के अंदर है ना, तो मेन मेथड को कॉल करने के लिए JVM को एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता, अगर मानो कि यहां पर स्टैटिक नहीं लिखा होता तो, ठीक है, मेन मेथड को कॉल करने के लिए JVM को एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता और उस ऑब्जेक्ट की मदद से वो मेन को कॉल करने आता, समझ रहे हो आप। देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं मल्टी लाइन कमेंट के अंदर JVM किस तरह से कॉल कर सकता है इस मेन मेथड को, तो सबसे पहले माय स्टैटिक क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाता, फॉर एग्जांपल M1, ठीक है, कुछ इस तरह से, देन आफ्टर M1 की मदद से उसको कॉल करना पड़ता मेन मेथड, अगर यहां पर स्टैटिक नहीं लिखा होता तो मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो कुछ इस तरह से बिहाइंड द सीन रैम के अंदर काम हो रहा होता, यानी कि जब भी आप इस फाइल को रन करते हैं ना जावा माई स्टैटिक, तो हर बार JVM को एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता और मेन को कॉल करना पड़ता, तो ये प्रोसेस हर बार वो रिपीट करता, जिसकी मदद से मेमोरी एलोकेशन ज्यादा हो जाता, ठीक है। तो इसलिए अगर आप इसको स्टैटिक बनाते हो, तो हमने अभी भी देखा कोई भी मेथड हो स्टैटिक हो तो उस स्टैटिक मेथड को आप विदाउट मेकिंग ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हो, राइट, यानी कि आप डायरेक्टली यहां पर लिख सकते हो ना क्लास का नाम क्या है माई स्टैटिक, तो माई स्टैटिक डॉट मेन, दैट्स ऑल। तो अब हर बार जब भी आप जावा माई स्टैटिक से रन करते हो अपनी फाइल, तो JVM क्या करता है, इस तरह से आपकी मेन मेथड को डायरेक्टली कॉल करता है, क्यों, क्योंकि वो स्टैटिक है। तो हमने अभी भी सीखा कोई भी मेथड स्टैटिक हो तो उसको आप विथाउट मेकिंग ऑब्जेक्ट डायरेक्टली इस तरह से कॉल कर सकते हो, तो मेमोरी एलोकेशन यहां पर हुआ ही नहीं ना, ठीक है, मेमोरी एलोकेशन हुआ ही नहीं, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही नहीं बना, इसलिए। तो ये ओरिजिनल फंडा है यहां पर स्टैटिक लिखने का, ठीक है। अगर आपको कोई भी पूछे इंटरव्यू के अंदर कि यहां पर स्टैटिक क्यों लिखा जाता है,
तो अब आई होप आपको समझ आ गया होगा कि स्टैटिक का इंपॉर्टेंस क्या है। क्लियर? तो यह था आपका स्टैटिक मेथड। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़े ब्लॉक के अंदर। स्टैटिक ब्लॉक भी आप क्रिएट कर सकते हो। अब स्टैटिक ब्लॉक क्या है, देखिए ये जो हमारा सिंपल क्लास है ना, इसके अंदर आपने यहां पर एक मेथड क्रिएट की हुई थी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। तो अब आप यहां पर एक स्टैटिक ब्लॉक भी क्रिएट कर सकते हो। ब्लॉक हम कुछ इस तरह से क्रिएट करते हैं, राइट? ये हमारा ब्लॉक हो गया, प्रोग्रामिंग का ब्लॉक। ठीक है, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। इसके अंदर मैंने लिख दिया सिंपल स्टैटिक ब्लॉक, आप कुछ भी लिख सकते हो। चलिए, लेकिन इस ब्लॉक का कुछ नेम तो होना चाहिए, राइट? तो यहां पर आप डायरेक्टली लिख सकते हो स्टैटिक, दैट्स ऑल। स्टैटिक कीवर्ड, ध्यान दीजिएगा, यहां पर यह कोई मेथड नहीं है, यह कोई वेरिएबल नहीं है, बल्कि डायरेक्ट एक ब्लॉक है जो कि स्टैटिक है। ठीक है, डायरेक्टली एक ब्लॉक है जो कि स्टैटिक है। ओके, तो अब इसका मीनिंग क्या होगा? जावा के अंदर यह माना जाता है कि जब भी आप किसी ब्लॉक को रन कराना चाहते हो बिफोर मेन, तब आप उसको स्टैटिक ब्लॉक के अंदर लिख सकते हो। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम फाइल को रन करते हैं तो हम सभी को मालूम होता है हमारा जावा प्रोग्राम सबसे पहले किस मेथड को एग्जीक्यूट करता है, मेन मेथड को, राइट? मेन मेथड को स्टेप बाय स्टेप चलाता है। लेकिन मेन मेथड से भी पहले अगर आपको कुछ प्री डिफाइंड काम करना हो तो वो आप स्टैटिक ब्लॉक के अंदर कर सकते हो। स्टैटिक ब्लॉक हर बार सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। देखिए, यहां पर हमने सिंपल स्टैटिक ब्लॉक बना दिया, ठीक है? तो अब मैंने जैसे ही सेव किया, अब यहां पर मैं कर रहा हूं कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो सबसे पहले आप यहां पर देखो आउटपुट के अंदर क्या मिला हमें, स्टैटिक ब्लॉक मिला, राइट? तो कुछ इस तरह से स्टैटिक ब्लॉक आप सिंपल क्रिएट करो, उसके अंदर जो भी लिखो आप वो सब एग्जीक्यूट होगा बिफोर मेन मेथड। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर इस स्टैटिक ब्लॉक का रियल यूज क्या है, इसका एडवांटेज क्या है? तो देखिए, मेनली तो स्टैटिक ब्लॉक का यूज स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है। यानी कि अब अगर आप यहां पर इस तरह से नहीं करना चाहते, या फिर ऑलरेडी RNWIT आपने चेंज कर दिया, एलोकेट कर दिया नाम, ठीक है, अब इस कॉलेज का नाम आप बदलना चाहते हो तो आप यहां से भी बदल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैंने यहां पर नाम बदल दिया जो कि स्टूडेंट क्लास के अंदर, ठीक है, स्टूडेंट क्लास के अंदर एक वेरिएबल है कॉलेज, तो student.clg इज इक्वल टू, सपोज मैंने यहां पर नाम रख दिया SDJ। तो मैंने जैसे ही सेव किया और यहां पर कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो देखिए सभी कॉलेज का नाम क्या होगा, SDJ हो गया। ठीक है, चेंज कॉलेज मेथड की मदद से अगेन लास्ट वाला नाम चेंज हो गया AKM। तो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक ब्लॉक को मेनली इसी पर्पस के लिए यूज किया जाता है। स्टैटिक वेरिएबल जो हमने बनाया है उसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, असाइनमेंट कर सको। ठीक है, तो ये बड़ा ही सिंपल यूसेज है आपका स्टैटिक ब्लॉक का। तो आप सवाल करोगे कि सर क्या हम मल्टीपल स्टैटिक ब्लॉक बना सकते हैं? नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टैटिक ब्लॉक क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर आप यहां पर स्टैटिक ब्लॉक क्रिएट करो? तो चलिए, मैंने इस वाली स्टैटिक ब्लॉक को कॉपी किया और यहां पर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहां पर मैंने कॉलेज का नाम रख दिया, सपोज कोई दूसरा TQR। ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया स्टूडेंट स्टैटिक ब्लॉक और यहां पर मैंने लिख दिया माई स्टैटिक, या फिर आप बोल सकते हो मैच स्टैटिक ब्लॉक। तो अब सवाल यह है, सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट होगा, ये वाला स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या फिर ये वाला? ठीक है, चले चेक करते हैं। सेव किया मैंने फाइल को, कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो देखिए सबसे पहले स्टूडेंट वाला स्टैटिक ब्लॉक रन हुआ, देन आफ्टर आपका मेन स्टैटिक ब्लॉक रन हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब भी आप इस तरह से क्रिएट करोगे, ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहां पर ऊपर लिखा हुआ होगा स्टूडेंट क्लास, वो एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए इस वाले क्लास को मैं नीचे ले लेता हूँ, यहां से मैंने इस पूरे क्लास को उठा लिया, कट किया एंड देन आफ्टर माय स्टैटिक के नीचे पेस्ट कर दिया। तो क्या अब ऊपर वाला मेन स्टैटिक ब्लॉक रन होगा क्या? चलिए देखते हैं। सेव किया फाइल को, अगेन कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो अब देखिए अब भी क्या हो रहा है, स्टूडेंट स्टैटिक ब्लॉक ही रन हो रहा है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपके पास जो एक्सटर्नल क्लास होगा, ठीक है, स्टूडेंट क्लास, उसी का स्टैटिक ब्लॉक रन होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। अब हाँ, आप बोलोगे कि सर PQR क्यों नहीं आया कॉलेज का नाम? क्योंकि हमने सबसे पहले स्टूडेंट क्लास का स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट किया, ठीक है, जो कि बाय डिफॉल्ट उसका बिहेवियर था, तो कॉलेज की वैल्यू PQR तो सेट होगी, लेकिन उसके बाद तुरंत ही माय स्टैटिक वाला स्टैटिक ब्लॉक रन हो गया। उसके अंदर हम कॉलेज का नाम हमने अगेन चेंज कर दिया SDJ,
तो सभी कॉलेज का नाम आ गया SDJ। क्लियर? तो चलिए, तो इस तरह से आप स्टैटिक ब्लॉक का यूज कर सकते हो। अब यहां पर क्यूरियोसिटी वाली बात यह है कि अगर मेरे पास एक और क्लास होता, फॉर एग्जाम्पल क्लास एम्प्लॉय, ठीक है, इसके अंदर मैं एक और स्टैटिक वेरिएबल ले लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल स्टैटिक स्ट्रिंग कंपनी, कंपनी का नेम मैंने लिख दिया XYZ, एंड देन आप इसके अंदर मैंने स्टैटिक ब्लॉक बनाना चाहा, तो क्या होगा? चलिए, यहां पर मैंने अगेन इस वाली लाइन को कॉल दिया रन, और यहां पर मैंने लिख दिया एम्प्लॉय स्टैटिक ब्लॉक। चलिए, तो अब मैंने सेव किया, अब यहां पर कौन सा स्टैटिक ब्लॉक सबसे पहले रन होगा, चलिए वो देखते हैं। कंपाइल किया हमने, रन किया, तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, स्टूडेंट का स्टैटिक ब्लॉक रन हुआ, मेन स्टैटिक ब्लॉक रन हुआ, ये वाला ब्लॉक हमारा रन ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक्सटर्नल क्लास है, इसका किसी ना किसी तरह से हमारे मेन क्लास के अंदर किसी भी तरह का रिलेशन नहीं है, हमने ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया इसलिए। अब देखिए, मैं यहां पर अगर ऑब्जेक्ट बनाता employee1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, तो देखिए क्या होता, सेव किया मैंने, कंपाइल, देन आफ्टर रन, तो फिर एम्प्लॉय वाला स्टैटिक ब्लॉक चल गया। देखिए, क्लियर? तो अगर आपने किसी अलग एक्सटर्नल क्लास का ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं किया तो फिर उसका स्टैटिक ब्लॉक रन ही नहीं होगा मेन के अंदर, ठीक है। अब हाँ, अगर मैंने यहां पर ये वाली लाइन निकाल कर दी और यहां पर पहले लिख दी मैंने, तो क्या होगा? चलिए, सेव किया मैंने, अगेन कंपाइल, एंड देन आफ्टर रन, तो देखिए तो एम्प्लॉय क्लास ऊपर आ गया, ठीक है, देन आफ्टर आपका स्टूडेंट वाला क्लास आ गया, ठीक है। तो अब सबसे पहले स्टूडेंट वाला, देन आफ्टर मेन, देन आफ्टर एम्प्लॉय, क्रिएट, ओके। चलिए, तो इस तरह से हमने समझा स्टूडेंट वाला क्लास, एम्प्लॉय और माई स्टैटिक वाला क्लास के अंदर स्टैटिक ब्लॉक का बिहेवियर, ठीक है। अब आप ये फिगर आउट करने की कोशिश करो ऑन योर ओन कि स्टूडेंट वाला क्लास उसका स्टैटिक ब्लॉक ही सबसे पहले एग्जीक्यूट क्यों होता है, क्या हमने इस तरह से यहाँ पर स्टूडेंट डॉट कॉलेज लिखा है इसलिए, ठीक है। तो ये सब आप एक्सप्लोर करो, क्या हो अगर मुझे सबसे पहले एम्प्लॉय स्टैटिक वाली ब्लॉक वाली लाइन यहाँ पर चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ मॉडिफिकेशन, वो आप थोड़ा रिसर्च करो, ठीक है। बाकी ये सब हमारे देखा स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक का बस इतना सा ही यूसेज है, ठीक है। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, अगेन मैं रिपीट करूंगा, स्टैटिक ब्लॉक बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा, उसको आप एक्सटर्नली कॉल नहीं कर सकते, इसको आप एज अ कंस्ट्रक्टर की तरफ भी ले सकते हो, ठीक है, स्टैटिक के अंदर आप कंस्ट्रक्टर की तरफ भी ले सकते हो, लेकिन लिमिटेशन में अगेन आपको बता दूं, स्टैटिक ब्लॉक के अंदर ओनली एंड ओनली स्टैटिक वेरिएबल को ही आप कॉल कर सकते हो, ठीक है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल को कॉल नहीं कर सकते, क्लियर। चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे इनर क्लास की तरफ। इनर क्लास हमने ऑलरेडी देख कर रखा हुआ है, ठीक है, नेस्टेड क्लास जिसको हम बोल सकते हैं, क्लास के अंदर एक अलग क्लास। तो यहां पर किस तरह से आपका स्टैटिक क्लास चलेगा, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले मैं ये सभी चीज जो है वो मिटा देता हूं, ठीक है, ये जो हमारे दो एक्सटर्नल क्लासेस थे वो भी मैंने यहां पर मिटा दिए। चलिए, अब हमारे पास एक अलग क्लास है, फॉर एग्जाम्पल क्लास आउटर, इसके अंदर एक और क्लास है फॉर एग्जाम्पल क्लास इनर, ठीक है, बस इसी वाले कंसेप्ट को हम बोलते थे इनर क्लास, लेकिन इनर क्लास को भी आप स्टैटिक इनर क्लास बना सकते हो। ये जो हमारा इनर क्लास है ना, उसको आप यहाँ पर इस तरह से आराम से लिख सकते हो स्टैटिक इनर क्लास, दैट्स ऑल। इसकी मदद से क्या होगा, तो कि आपका जो मेन आउटर क्लास है ना, उसकी सभी वैल्यूज आप यहाँ पर डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने बनाया एक स्टैटिक कीवर्ड, फॉर एग्जाम्पल इंट एस, ठीक है, इसकी इनिशियल वैल्यू मैंने रख दी 5, एंड देन आफ्टर एक नॉर्मल वेरिएबल बनाया नॉन स्टैटिक जिसकी मैंने वैल्यू रख दी 7। और अब इस वाले क्लास के अंदर मैं एक मेथड क्रिएट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल डिस्क, और यहां पर मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, मैं यहां पर एस को प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, और इसी तरह से मैं यहां पर प्रिंट कराना चाहता हूँ एनएस को, यानी कि नॉन स्टैटिक, दैट्स ऑल, बस इतनी चीज मुझे करनी है। लेकिन सबसे पहले हम इस क्लास को एज अ रेगुलर इनर क्लास की तरफ ट्रीट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इसको किस तरह से हम कॉल कर सकते हैं। तो इनर क्लास को कॉल करने के लिए हमें सबसे पहले आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, राइट, यही हमारा रूल था, सपोज आउटर O1 न्यू आउटर, एंड देन आफ्टर हमें इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता था,
फॉर एग्जाम्पल आई वन, इस तरह से। अब इनर क्लास क्या आ गया हमें यहाँ पर लिखना होता था, आउटर क्लास का नाम, एंड देन आफ्टर यहाँ पर न्यू क्या आ गया लिखना पड़ता था हमें, ओ वन, ठीक है। तब जाकर आप आई वन की मदद से इस डिस्प वाली मेथड को कॉल कर सकते थे, राइट। चलिए तो अब मैंने सेव किया अगेन, अब हम फाइल को करेंगे रन एंड देन आफ्टर कंपाइल। तो आप देखिए यहाँ पर 5 भी एक्सेस हो गया और 7 भी एक्सेस हो गया, यानी कि नॉन स्टैटिक और स्टैटिक दोनों यहाँ पर एक्सेस हो सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसको बनाता हूँ स्टैटिक, ठीक है। ये हमारा अब बन चुका है स्टैटिक क्लास। तो चलिए अब मैंने यहाँ पर सेव किया, अगर मैंने यहाँ पर किया कंपाइल, तो देखिए जैसे ही मैंने कंपाइल किया आप यहाँ पर देख सकते हो दो एरर देखने को मिल रही है। सबसे पहले एरर, नॉन स्टैटिक वेरिएबल ns, वो अब आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये तो ऑब्वियसली चीज है, राइट। स्टैटिक क्लास होगा तो ऑब्वियसली सभी जो स्टैटिक चीज होगी उसके बाहर वही आप इसके अंदर एक्सेस कर सकते हो, तो नॉन स्टैटिक चीज अभी आप यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। तो अब हम यहाँ पर इसको मिटाना होगा। ओके चलिए अगेन मैंने सेव किया कंपाइल, देन आफ्टर अब हमारे पास एक और मेथड बची हुई है, क्वालिफाइड न्यू ऑफ स्टैटिक क्लास। ध्यान रखेगा अब तक हम इनर क्लास का ऑब्जेक्ट कुछ इस सिंटेक्स को फॉलो करते हुए बनाते थे, लेकिन अब यह नहीं चलेगा। अगर आपका इनर क्लास स्टैटिक इनर क्लास है तो उसकी सिंटेक्स थोड़ी सी लगाएगी। देखिए किस तरह से, अब आपको यहां पर ओवन नहीं लगाना है, अब आपको डायरेक्टली यहां पर लिखना होगा आउटर डॉट इनर, ठीक है। चलिए अब मैंने सेव किया, अगेन यहां पर किया कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो अब आपकी वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। तो ये थोड़ा सा हमें सिंटेक्स के अंदर मॉडिफिकेशन करना होगा, क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है ना, कोई भी स्टैटिक चीज हो तो वो डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हो विदाउट मेकिंग ऑब्जेक्ट, राइट। तो एक क्लास जो था वो हमारा स्टैटिक क्लास था, तो स्टैटिक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, आप इन सभी को मिटा सकते हो। हाँ, अगर ये हमारा रेगुलर इनर क्लास होता तो हमें ओवन यहाँ पर लिखना होता न्यू के आगे, राइट। लेकिन अगर आप क्लास स्टैटिक बनाते हो, तो हमने अभी भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था स्टैटिक चीज को कॉल करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट की जरूर नहीं होगी। तो देखिए हमने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना लिया इस तरह से। चलिए मैं एक बार और बता देता हूँ, सेव किया मैंने फाइल को, कंपाइल एग्जाम्पल रन, तो सभी चीज एक्सेस हो रही है, क्लियर। चलिए तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये हमारा था स्टैटिक इनर क्लास या फिर स्टैटिक नेस्टेड क्लास, ओके। चलिए एक और बात, क्या हो अगर आप इस मेथड को भी स्टैटिक बना दो, स्टैटिक क्लास के अंदर मेथड भी स्टैटिक है, ठीक है। स्टैटिक क्लास तो है ही, उसके अंदर जो मेथड थी वो भी स्टैटिक है, तो अब रूल के मुताबिक स्टैटिक मेथड को भी आप विथाउट मेकिंग ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हो ना। तो अब यहां पर आपको इस तरह का ऑब्जेक्ट भी बनाना नहीं है, अब आप यहां पर क्या लिखोगे? मैंने अभी भी बोला कि स्टैटिक मेथड को विथाउट मेकिंग ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले जो डिस्प मेथड में कॉल करनी है ना, वो किस क्लास के अंदर है? इनर क्लास के अंदर है, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा इनर क्लास। लेकिन आपको कंपाइलर को बताना तो होगा ही ना कि इनर क्लास किसके अंदर है? आउटर क्लास के अंदर। तो हम यहाँ पर सिंपल लिख देना है आउटर क्लास, उसके अंदर है इनर क्लास और उसके अंदर है डिस्प मेथड। डायरेक्टली आप इस तरह से कॉल कर सकते हो, ये शॉर्टकट। देखिए मैंने सेव किया, अगेन यहाँ पर कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, फिर भी आपकी मेथड परफेक्टली कॉल हो रही है, ठीक है। तो ये आपका शॉर्टकट है, ऑफिशियली इसको शॉर्टकट नहीं बोल सकते, ये एक फंक्शनैलिटी है, एक फैसिलिटी है, रूल के मुताबिक ही हम चल रहे हैं, राइट। स्टैटिक मेथड बनाए तो स्टैटिक मेथड को हम विदाउट मेकिंग ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। तो चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये चीज जो हमने देखी वो थी नेस्टेड इनर क्लास, ठीक है। तो बस अब यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है वो खत्म होता है। आज के इस वीडियो में हमने स्पेसिफिकली मास्टर लेवल के अंदर देख लिया स्टैटिक कीवर्ड, ठीक है। स्टैटिक कीवर्ड को आप जावा के अंदर अलग अलग 4 तरीकों से यूज कर सकते हो, स्टैटिक वेरिएबल बनाकर, स्टैटिक मेथड बनाकर, स्टैटिक ब्लॉक और स्टैटिक इनर क्लास, ठीक है। तो चलिए आई होप आपको स्टैटिक कीवर्ड समझ में आया होगा। जितना भी हमने आज के लेक्चर के अंदर देखा उन सभी की आप कंप्लीट प्रैक्टिस कीजिए, और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए चैप्टर के साथ, ओके।